ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल का आयोजन दिसंबर महीने में होना है। इसकी तैयारी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय यूथ फेस्टिवल स्पंदन का आयोजन कर चुकी है। तीसरे दिन मूर्ति कला, ट्राइबल डांस, क्विज प्रतियोगिता सहित एक डजन इवेंट्स का आयोजन किया गया। ऐसे आयोजन से विद्यार्थियों को विशेष तौर पर फायदा मिलता है। हैं कि यूथ फेस्टिवल में डिफरेंट इवेंट में बच्चे पार्टिसिपेट करें और इससे एक तो हमें टैलेंट का भी पता चल जाता है, क्योंकि ये सिंगल यूनिट है तो हमें आगे टीम्स भेजनी है तो उसके लिए भी चयन करना है। तो ऐसे इवेंट से एक तो छात्रों को भी थोड़ा सा उनका उत्साहवर्धन होता है। एक मोनोटोनी पढ़ने से पढ़ाई तो है ही उनके लिए ज़रूरी, लेकिन इस तरह के रिक्रिएशन से डिफरेंट विभाग के जो बच्चे हैं आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को पहचान सकते हैं। नहीं तो अपने क्लासेस करके वो घर जाते हैं, उन्हें पता नहीं है कि इतने बड़े विश्वविद्यालय में इतने विभाग हैं, तो उनके दूसरे सब्जेक्ट के बच्चों से उतना इंटरेक्शन नहीं है। तो इस तरह से एक तो उनका इंटरेक्शन होता है, उनकी प्रतिभा निखर के आती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये ज़रूरी है बहुत ज़्यादा आज के युवाओं के लिए भी, तो इसलिए यूथ फेस्टिवल इम्पॉर्टेंट है, ये सबको पता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।